नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से आ रही है विश्व कप क्रिकेट का होगा मुकाबला। इकाना स्टेडियम में तैयारी हुई पूरी। विश्व कप क्रिकेट के होंगे 5 मुकाबले। आज से शहर में विश्व कप क्रिकेट का फीवर। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची लखनऊ। 9 अक्टूबर को पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को होगा मैच। बी ग्राउंड पर लगाई गई फ्लड लाइट। अभ्यास के लिए 7 पिचों को किया गया तैयार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। विश्व कप क्रिकेट का होगा महामुकाबला। इकाना स्टेडियम में तैयारी हुई पूरी। विश्व कप क्रिकेट के होंगे 5 मुकाबले। आज से शहर में विश्व कप क्रिकेट का फीवर। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची लखनऊ। 9 अक्टूबर को पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को होगा मैच। बी ग्राउंड पर लगाई गई फ्लड लाइटें। अभ्यास के लिए 7 पिचों को किया गया तैयार। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज से शहर में विश्व कप क्रिकेट का फीवर चढ़ेगा। विश्व कप क्रिकेट का महामुकाबला होना है, जिसके लिए इकाना स्टेडियम भी पूरी तरह से तैयार है। विश्व कप क्रिकेट में 5 महामुकाबले होंगे, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। तो वहीं 9 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की टीम भी लखनऊ पहुंचेगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को मैच होगा। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नदी में कूदने से एक किशोरी की मौत हो गई है। चंद्रिका देवी मंदिर के पास स्थित खाटू श्याम मंदिर के किनारे से उसका शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम युवती ने मंजी पुल से छलांग लगाई थी। आज सुबह से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन और तलाशी के दौरान शव बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस सहित ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। युवती की पहचान कठवारा की श्रेया सिंह के रूप में हुई है। तो लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोमती नदी में कूदने से किशोरी की मौत हो गई है। चंद्रिका देवी मंदिर के पास खाटू श्याम मंदिर के किनारे से शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम युवती ने मांझी पुल से छलांग लगाई थी। रेस्क्यू के बाद आज सुबह उसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किशोरी ने छलांग क्यों लगाई थी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा। हाइजिया ग्रुप के बाद अब अन्य संस्थान भी रडार पर है। अब अन्य शैक्षणिक संस्थान ईडी के रडार पर। प्रबंधक राम गोपाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। राम गोपाल की 7 दिन की कोर्ट ने सौंपी है रिमांड। अब तक की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाइजिया ग्रुप के बाद अब अन्य संस्थान भी रडार पर है। अब अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर ईडी की जो है नजर है। प्रबंधक राम गोपाल को मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से राम गोपाल की 7 दिन की कोर्ट ने रिमांड सौंपी है। अब तक की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 100 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा है जो सामने आया है। जीविका इंस्टीट्यूट में फर्जी एडमिशन के नाम पर यह घोटाला किया गया। जीविका इंस्टीट्यूट में छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पी गई है। अब तक आरोपियों की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छात्रवृत्ति घोटाले में अब ईडी ने अपना शिकंजा जो है और कसना शुरू कर दिया है। हाइजिया ग्रुप के बाद अब अन्य संस्थान रडार पर है। अब अन्य शैक्षणिक संस्थान ईडी की रडार पर आ चुके हैं। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर अवध स्वयंसेवी संस्था की लापरवाही के चलते बच्चों के खाने में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से खाने को जानवरों को दे दिया गया है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने अवध स्वयंसेवी संस्थान को भोजन वितरण का टेंडर दिया था। आपको बता दें कि बख्शी का तालाब में लगभग 2 दर्जन प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इनका भोजन भेजा जाता है।
हमारे स्कूल में छोला और चावल आए थे, तो छोले में बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े जो हैं इतने ज़्यादा थे कि हमारे रसोईया के उल्टी होने लगी और उसने उसको फेंक दिया। फिर हम लोगों ने फोटो डाला, फोटो जब सबने देखा तो किसी ने खाना ही नहीं लिया। आपने शिकायत स्कूल में शिकायत की इसकी? जी हम लोगों ने नहीं उसमें डाल दिया था संकुल वाले पे फोटो डाल दिया था। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पीएम आवास के नाम पर मनमानी बंद नहीं हो रही है। लोग मनमाने ढंग से पैसे की उगाही कर रहे हैं। बता दें कि लोगों से 2.5 लाख की किश्त के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं एक पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका में की है, तो वहीं अब महिला अब तक 18,000 रुपये दे चुकी है। शिकायत के संज्ञान में आते ही ईओ ने जाँच टीम बैठा दी है। नगर पालिका क्षेत्र के उक्सी रायपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर योजनाओं को पलीता लगाने में अधिकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। पीएम आवास के नाम पर मनमानी यहां पर जारी है। मनमाने ढंग से पैसों की उगाही यहां पर की जा रही है। लोगों से 2.5 लाख की किश्त के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। महिला से भी एक रिश्वत मांगी गई थी, जिसने नगर पालिका में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि महिला ने अब तक 18,000 रुपए भी दे दिए हैं। शिकायत के संज्ञान में आते ही ईओ ने जांच कमेटी बैठा दी है। ये पूरा मामला नगर पालिका क्षेत्र के उक्सी रायपुर का बताया जा रहा है। रामपति कहाँ से? उक्सी से, रायपुर उक्सी, दोनों एक ही गांव लगते हैं। नगर पालिका में आप शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है ये पैसों का? पैसों मतलब रिश्वत ले रहे हैं, वो 50,000 मांग रहे हैं। किस चीज की रिश्वत? कॉलोनी जो बनवाई है, कॉलोनी आई है, एक किस्त आ रही है, ये तो मुझे पता नहीं कौन सी है। अगर 2.5 लाख वाली आई है तो 50,000 वो ले रहे हैं, 2 लाख में हम क्या चीज कर लेंगे। कौन है? संजीव। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर कला। क्या कार्य करते हैं ये? ये पहले नरेगा में थे, अब की तो मुझे पता नहीं है। उन्होंने ये हमारे फार्म भरवाए थे, उन्होंने ये कही थी मुझे 50,000 रुपये चाहिए, 2.5 लाख की कॉलोनी आएगी तुम्हारी ये। तो आपने पैसा दिया? मेरे 18,500 पहुँच गए। तो आप कितने बाकी रह गए हैं आपके? 50,000 की आई थी, 15 तो मैंने इसमें से दे दिए, इस किस्त में से अभी पहले की आई है। अच्छा, इन्होंने आपसे पैसा कैसे लिया? 3500 पहले लिए हैं कि बोले हम कागजों में लग रहे हैं, हमारे कागजों को बनवा रहे हैं। नहीं नहीं, घर से घर मंगाए उन्होंने। कितने पैसे मंगाए थे? 3500 एक फेरा दिए जब फार्म भरे थे उन्होंने, और 1500 रुपए अभी दिए हैं जब किस्त आ गई है, उसमें से निकाल कर ना 1500 रुपए दे दिए। खबर आ रही है हमीरपुर से, रिटायर फौजी ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी खबर हमीरपुर से, रिटायर फौजी ने की आत्महत्या, लाइसेंसी राइफल से मारी खुद को गोली। फौजी का पत्नी से चल रहा था विवाद, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पत्नी से विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर रिटायर्ड फौजी ने आत्महत्या कर ली है, लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी है। फौजी का पत्नी से विवाद चल रहा था, और इस विवाद के चलते बताया जा रहा है कि आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक रिटायर फौजी ने आत्महत्या कर ली है। लाइसेंसी राइफल से उसने खुद को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि फौजी का पत्नी से विवाद चल रहा था, हालांकि शिकायत पर पहुंची पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही कानपुर में ADCP IPS आकाश पटेल के नेतृत्व में एक बार फिर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। एक हफ्ते के अंदर आपको बता दें ADCP आकाश पटेल की टीम ने दूसरा सेक्स रैकेट यह पकड़ा है। बताया जा रहा है कि थाना रेल बाजार स्थित होटल संतोष राज में सूचना के आधार पर भाली पुलिस बल के साथ टीम ने छापा मारा, और इस छापेमारी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के अंदर से 6 युवतियां और एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कथित तौर पर कांग्रेस के एक नेता का यह होटल बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि कई सालों से राजू शर्मा नाम के शख्स ने होटल को लीज पर लिया हुआ था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
थाना रेल बाजार क्षेत्र में कानपुर सेंट्रल के गेट नंबर 1 के सामने स्थित होटल संतोष राज रिसोर्ट के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। इसके बाद पूर्वी जोन की क्राइम टीम के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई और यहाँ से 6 जो महिलाएं हैं वो मिली हैं और एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है जो ग्राहकों को लाने का काम करता था। जो प्राथमिक जानकारी अभी तक मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि अंजलि नाम की महिला और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों मिलकर लड़कियों को इस देह व्यापार में उतारते थे और जो हितेश व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ ये ग्राहकों को धमके लाता था और यहाँ से प्रत्येक ग्राहक से लगभग 700-800 रुपये के आसपास लिए जाते थे, जिनमें से 200 रुपये के आसपास इन महिलाओं को दिए जाते थे। इस व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है और होटल के बारे में जो बाकी जानकारी है जुटाई जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव इंद्रजीत फौजी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता घाटमपुर से लखनऊ के लिए पैदल रवाना हुए। सभी किसान हाथों में झंडा लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा के दौरान शाम को माधोबाग पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद लखनऊ के लिए सभी किसान रवाना होंगे। लखनऊ पहुंचकर 11 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेम विवाह में भागकर शादी करना युवती के भाई को नागवार गुजरा। आरोपी ने छवि कंप्यूटर की दुकान में घुसकर अपने जीजा पर ही गोलियां बरसाकर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया है। बता दें कि 14 तारीख को आरोपी की बहन और शिवम राजा ने भागकर शादी की थी। युवती और युवक की एक ही जाति होने की वजह से शादी के बाद माता पिता तो रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद से आरोपी भाई शिवाजी राजा बदला लेने की फिराक में लगा था और मौका पाते ही उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी शिवाजी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अपने जीजा को जो है वो गोली मारी गई थी। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शिव परिहार है उनकी मृत्यु हो गई थी और जो दूसरे व्यक्ति हैं मानवेंद्र वो उसमें घायल हुए थे। उनकी स्थिति बिल्कुल ही नॉर्मल है, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जो इसमें जो मेन मुलजिम जो था शिवाजी, जो कि जो मृतक है उनका अपना साला है, उसको तत्काल जो है जो हमारी चीता है और जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं इनके द्वारा तत्काल इसको 15 मिनट के अंदर में इसको अरेस्ट जो है वो किया गया था। ये घटना करने के बाद फरार हो गया था, तो इसको पूरे तालभट क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई थी, चेकिंग कराई गई थी और उसी दौरान जो है 15 मिनट के अंदर में इसको पकड़ा गया था। इसके पास से असलहे जो है वो बरामद हुए हैं, जिसमें एक तमंचा बरामद हुआ है और एक कंट्री मेड अवैध जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। जो इससे जो पूछताछ की गई है तो इसमें अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि इसकी सिस्टर के द्वारा जो है जो मृतक है उनके साथ प्रेम विवाह किया गया था। प्रेम विवाह से ये शुरुआत में नाखुश था, लेकिन बाद में जो अभियुक्त है इसकी मदर ने जो है सहमति दे दी थी, तो बाद में जो है फाइनली इनके द्वारा टीका भी किया गया था और इस तरीके से शादी जो है वो हो गई थी। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। विगत 15 दिनों में जो मृतक है इनके द्वारा किसी इसको फोन करके किसी गाली गलौज जो है वो किया गया था, उसी के बाद से जो है इनके द्वारा जो अभियुक्त है उसके द्वारा यह कार्य जो है वो किया गया है। ललितपुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद की समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सदर तहसील में फरियादियों की शिकायतों को सुना, लेकिन त्वरित न्याय की अवधारणा के विपरीत शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। फरियादियों ने बताया कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं पर उन्हें न्याय नहीं मिला। हर बार विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र अग्रसारित कर निस्तारण करने के लिए कह दिया जाता है पर होता कुछ नहीं है। अशोक कुमार, कहाँ से आए हैं? डलवारा से। क्या समस्या लेके आए हो? लाइट के लिए लाइन डलवानी थी,
जब से देश आजाद हुआ है अभी तक नहीं लाइन डल पाई है हमारी। संपूर्ण समाधान दिवस में आप कब से आ रहे हो? लगभग 2015 से आ रहे हैं। 76 आवेदन आज प्राप्त हुए और इसमें लगभग 10 आवेदनों के निस्तारण त्वरित संभव हो पाया। कुछ आवेदनों के सापेक्ष टीम आज तहसील दिवस के उपरांत आज ही विजिट करेगी, करने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ आवेदन ऐसे थे जो न्यायालय से अच्छा देता है या फिर मांग से संबंधित है, उसमें कुछ समय लगेगा और आने वाले समय में उसको बुलाया जाएगा। क्या नाम आपका? कहाँ से आई हैं? हरदीला। क्या समस्या लेके आई थी? रास्ता के बारे में। क्या है? रास्ता बंद कर दी। कौन लोगों ने? मूलचंद, हरिशंकर, लखीलाल, लक्ष्मणा। बुझाओ नहीं है? हाँ हाँ। नाम बुझाओ दिखा तो नहीं है और ये लाइट कटवा दो। अच्छा, हमें नहीं है तो दे कटवा दो। कहाँ से कहाँ लेके आई थी? कहाँ से कहाँ लेके आई? यही से कहाँ लेके आई। लाइट की? हाँ। है नहीं है लाइट? और रोड नहीं है। रोड नहीं है, लाइट नहीं है। हाँ। का नाम? तो महोबा पुरुष और महिला जिला चिकित्सालय में तीमारदारों को जगत जननी मां किशोरी लोक कल्याण ट्रस्ट की तरफ से रोजाना निशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड राज्य के निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने महिला चिकित्सालय पहुंचकर तीमारदारों को पूरी सब्जी और हलवा का वितरण किया। वहीं उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में माँ जगत जननी किशोरी लोक कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष समाजसेवी विनोद पुरवार की तरफ से भोजन सामग्री प्रदान कर मरीजों को भोजन देना बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य को देखकर दूसरों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो महोबा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुरुष और महिला जिला चिकित्सालय में तीमारदारों को जगत जननी मां किशोरी लोक कल्याण ट्रस्ट की तरफ से रोजाना निशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। सराहनीय पहल इस संस्थान की तरफ से की गई है, जहां पर अस्पतालों में पहुंच रहे तीमारदारों को खाना दिया जा रहा है और लोगों की मदद की जा रही है। तो वहीं अब झारखंड राज्य के निर्वाचित आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने महिला चिकित्सालय पहुंचकर तीमारदारों को पूरी सब्जी हलवा किया। झारखंड राज्य के निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोगों की मदद करना एक सराहनीय कदम है और लोगों को मदद करनी चाहिए। मैं जिला अस्पताल में पहली बार आया हूं और यहां पे बहुत गरीब, सबसे श्रेणी में सबसे नीचे जो लोग हैं आर्थिक स्तर के, उन लोगों को जो जरूरत है वो हमारे विनोद पुरवार जैसे जो लोग जो कर रहे हैं कि खाने का सामान उनको दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ही उत्सुकता से लोग, बहुत ही प्रेम से लोग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है और ये एक आदर्श कार्य है जिससे लोगों, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए और हम लोगों को जीवन में ऐसा करने से खुशियां भी मिलेंगी। ये पले पुण्य का काम है, मेरी बहुत बहुत बधाई इनको ऐसे काम के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है और शयन आरती में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आइए आपको भी सीधा लिए चलते हैं। उन्होंने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना यहां पर सीएम योगी ने की है और शयन आरती में भी सीएम योगी शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर देखे गए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही शयन आरती में सीएम शामिल हुए। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बद्रीनाथ धाम इस दौरान सीएम योगी पहुंचे और बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना में शामिल हुए। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की सीएम योगी ने कामना भी की है। आपको बता दें कि शयन आरती में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं।
तो तस्वीरें देख सकते हैं, बद्रीनाथ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किए गए थे। साथ ही सीएम योगी शयन आरती में भी शामिल हुए हैं और यहाँ पूजा पाठ कर सुख समृद्धि की सबके लिए कामना की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं और अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ शयन आरती में भी शामिल हुए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।